चिराग पासवान टिकट बेचते हैं, यही है। ऐसा तो नहीं है कि मोदी का जो हनुमान है मोदी बनकर और उनके लंका में आग लगा देंगे। 400 पार का जो नारा, बहुत रोजगार देने का वादा किए थे, क्या सही में आप लोगों को मिला या नहीं मिला? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चुनावी चर्चा में। और चुनावी चर्चा के इस शो में हमारे साथ है अरविंद टाइम्स के संवाददाता अरविंद कुमार, इनसे हम लोग बात करेंगे। चिराग पासवान पर जिस तरह से टिकट बेचने का आरोप लग रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। रामविलास पासवान ने अपने विरासत बनाकर अपनी पार्टी बनाई और उनका जलवा कायम रहा, क्या चिराग पासवान उस जलवे को कायम रख सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके जितना दर्शक है देखने वाले लोग हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। चिराग पासवान पे जिस तरह से आरोप लग रहा है कि वो टिकट बेच दिए और जिस तरह से अपने परिवार में अपने बहनोई को टिकट दे दिए और बाकी टिकट बेच दिए, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? अच्छा खुशबू जी, यह जनता का आक्रोश है, जो उनके समाज का लोग है वो लोग आक्रोश है, इस बात को जानते हैं ना कि उनके समाज काफी नाराज। हाँ, क्यों नहीं नाराज होगा, वोट देगा पासवान, वोट देगा उनके समाज के लोग मजबूती। जिस समय चिराग के लंका में आग लगा था तो क्या है, जब आग लगा था तो उन लोगों को क्या किया, कहे कि उनके साथ समाज मजबूती से खड़ा था, तब ना मजबूत हुए। जब मजबूत हुए तो चचा से छीन कर और इनके पार्टी को मिला है कि नहीं, चचा को दरकिनारे कर दिया। हाँ, बीजेपी वाले ने दरकिनार कर दिया। आपने देखा बगल में जो एक सभा हुई थी साहेबगंज में चिराग पासवान का, उसमें जनसैलाब था, बीजेपी वाला देखा कि नहीं हुआ चेहरा है, नयुवक चेहरा है, और नयुवक चेहरा के मतलब सब लोग नेता मानना चाह रहा था। लेकिन एक बात है, आप जान लीजिए कि चिराग पासवान जी पर लोगों का और नयुवक का रुझान था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा एक गलती कर दिया है। जो पार्टी में सेव के रहेगा, जो पार्टी को मजबूत रखेगा, क्या उसके साथ नहीं इनको रहना चाहिए खड़ा? तो ये उनके साथ खड़े नहीं रहे, आज क्या कर रहे हैं, टिकट देने के समय बिना देवी जी को दे दिए, जो इनको दागा दिया था पार्टी समाज में। क्या इनके जो आप जय को संभावी चौधरी जो कि भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं उनको दे दिए टिकट, अशोक चौधरी के बेटी हुए तो उनको टिकट दे दिए, उसके बाद जमुई में अपने जीजा को दे दिए, अब अपने जीजा को टिकट दे रहे हैं, या जो कर्जकर्ता बहुत दिन से आपके मजबूती के साथ खड़ा है, क्या उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? उनको भी टिकट मिलना चाहिए, जो 10 साल से वैशाली से आपके जो इंजीनियर रविंदर सिंह थे, क्या यह टिकट के रेस में थे? संजय सिंह थे, जो जिस समय इनका लंका जर रहा था उस समय पानी लेके आप पानी पटाया, वो लोग मजबूती से खड़ा था। लेकिन अरुण सिंह के बारे में बोल रहे थे कि जब हमारे पिता का निधन हुआ था अरुण सिंह गार्जियन बन के खड़े थे, तो टिकट देने के समय अरुण सिंह को काहे दरकिनारे कर दिए चिराग पासवान? तो यही तो बड़ा भूल किए हैं, यही बड़ा गलती है, यही भूल कहीं चिराग पासवान को ले डूबेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले डूबेगी, आपने सही कहा है। और ये समाज जो है, समाज जागरूक हो गया है, सोशल मीडिया देख रहा है, लोग पढ़ लिख लिया, पहले वाला बात नहीं है कि आप कुछ बरगला दीजिएगा, लोगों को कुछ कह दीजिएगा तो लोग नहीं जानेगा, लेकिन अब वो नहीं है। आप समझिए कि किस तरह से आक्रोश है लोगों में इनके प्रति। तो हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो जनता है उसका भी राय है, जनता लोग हैं वो लोग अपना बात रखते हैं। ये भाई साहब आप बताइए, क्या 400 क्या लगता है 400 पार का जो नारा है? एक नैरेटिव है, सबको पता है कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ अगर ईवीएम में राजा का आत्मा अगर है तो ये संभव हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है राहुल गांधी अगर बात बोल रहे हैं वो राजनीति में इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को बता रहे हैं। भाई साहब आप तो नयुवक है, मोदी जी से बहुत रोजगार देने का वादा किए थे, क्या सही में आप लोगों को मिला या नहीं मिला, किस तरह का आप लोग? और ये मिलेगा भी नहीं, ये इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये सोची समझी चाल है, और जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो भी बंद कमरे में जो बैठ करके जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये कहने के समाज के लोगों को है ना पूरी तरीके से जॉब छीन करके उसके शक्ति को कमजोर करके और पावर को सेंट्रलाइज करना चाहती है सरकार। अच्छा, लेकिन राम मंदिर तो बना दिए मोदी जी। देखिए वो भी एक वो अपना मुद्दा लाया, चूंकि उसको सत्ता में आना था इसलिए उसने अपना मुद्दा लाया, चूंकि आपको भी पता है जब कमंडल की जब राजनीति हो रही थी तो उसे पता था कि यहाँ पर
पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर जो आरक्षण दिया जा रहा है जिस सरकार के समय जिसमें नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो आरक्षण जो दिया गया 27% OBC को, सबको पता है कि वहाँ पर जब बीजेपी की देखी कि जब सत्ता जब हमारे हाथ से गुजर रही है 27% आरक्षण अगर OBC को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं समस्या होगा। और उस समय बहुत सारे लोग जो युवा थे सड़कों पर आए थे, उसने राम मंदिर लेके आया इसीलिए ताकि जो भी नीचे तबके के लोग हैं जो धर्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं वहाँ टकराव होगा और इस टकराव के कारण ये मुद्दा हम उछालेंगे आगे चलते हैं। पकौड़े तलिए तो वो रोजगार नहीं ना है, वो जीविका उपार्जन है। अगर पकौड़ा तलना यहाँ पर सत्तू बेचना, ये सत्तू बेचना रोजगार नहीं हुआ, ये सत्तू बेचना जीविका उपार्जन है। ये अपने बच्चे को पाल पोसने के लिए काम कर रहा है, ये रोजगार इसको नहीं कहा जाएगा। पकौड़ा तलना रोजगार नहीं कहा जाएगा, ये जीविका उपार्जन है। जीविका उपार्जन और रोजगार में अंतर होता है। खाली बोलिएगा, यह आत्मनिर्भर का काम है, आप कैसे बोल रहे हैं? देखिए आत्मनिर्भर स्टेटमेंट दिए थे, अगर हमारा काम अगर हमारे योग्यता के अनुसार अगर हमको काम नहीं मिलता है तब तक वो अनएम्प्लॉयमेंट ही कहलाएगा। अच्छा, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट था, आज हमारे भारत में वही हो रहा है। अच्छा। हमारे जो लोग बीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, क्या वे उनका अनुसार से जो योग्यता है उसके अनुसार से उनको काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसको आप क्या कहिएगा? अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या आप नौजवान हो के इतना आक्रोशित क्यों है मोदी जी से? मोदी जी तो कैसे जुमलेबाजी की बात करते हैं, जुमलेबाजी की बात करते हैं मोदी जी, जुमलेबाजी करते हैं। आपको भरोसा नहीं है उनपे? विदेश में डंका बजा दिए मोदी जी, विदेश से क्या ले जाना? वो तो नैरेटिव है मैडम, वो तो नैरेटिव है। यहाँ के जनता को ये दिखाना है कि विदेश में हमारा क्या है, वर्चस्व है। यहाँ की जनता हमारे देश के लोग क्या करते हैं, वो उनको इज्जत चाहिए। आप भी चाहते हैं, आपके पास पैसा हो या ना हो, आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग रिस्पेक्ट से बात करें। हमारे देश के लोगों को भी यही चाहिए कि हमारा रिस्पेक्ट हो। और जो भी अमेरिका है, लंदन, जहाँ भी गए, वो लोग वहाँ के जो भी साइकोलॉजिस्ट है, चाहे जो भी इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हैं, वो इस बात को जान रहे हैं कि यहाँ की जनता, यहाँ के नेता इज्जत के भूखे, इन्हें इज्जत दो, इनको कारपेट बिछाओ। और यही कारण है कि वहाँ पर जब जाया जाता है तो लाखों लोग को वहाँ पर पहले से तैयार किया जाता है ताकि जय जयकार किया जाए और भारत की मीडिया में दिखाया जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का कितना बेहतरीन इज्जत है, ताकि दुनिया में लोग दिखाया जाए।